पंच, शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर में नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू करने में लगा हुआ है। इस बारे में जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन राजौरी पुंछ मोहम्मद अशरफ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि समय समय पर हमारे पास निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिलती रहती है कि वह अधिक फीस वसूल रहे हैं या अभिभावकों को जबरदस्ती किताबें बेचते रहे हैं या किताबें अधिक दाम पर बेच रहे हैं। अभी हमने इस प्रकार का नोटिस जारी कर सभी निजी स्कूलों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वह इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम न दे। और मेरा नए सेशन के लिए हमारे प्राइवेट हों या गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हों, सभी में से हमारी एक एनुअल एक्सरसाइज है जहां पे हमारे एग्जामिनेशन कल्मिनेट होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं और उसके बाद हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में और सरकार के सभी इंस्टीट्यूशन में जो है दाखिले का दाखिला किया जाता है। और ये ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे दो जोन्स होते हैं, एक हार्ड जोन एक सॉफ्ट जोन, और थोड़ा सा एक महीने का डिफरेंस रहता है एग्जामिनेशन रिजल्ट और एडमिशन इन बोथ प्राइवेट और हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। सर क्या कहेंगे, किस तरह के नियम जो है एडमिशन के एडमिशन के लिए रखेंगे? खासकर हमारा कोई नया कानून नहीं होता है, बस हम जो हैं NEP 2020 की इम्प्लीमेंटेशन की जो चेंजेस हैं जिस लेवल पे उनको हम इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ प्राइवेट स्कूल को लेके हमारे इश्यूज जो हैं पब्लिक उजागर करती रहती है और बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो टाइमली एक्ट भी करता है और उनके इश्यूज को रिड्रेस करने के लिए टाइम एंड अगेन डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट आर्डर वगैरह निकाल रखे हैं। जहां कोई ऐसी शिकायत आ जाए और उसको रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए ये सरकार ने बाजाबता एक सिस्टम रखा है। देखा जा रहा है कि कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि स्कूल जो है वो इस बार जो बुक्स हैं वो बहुत महंगी जो है वो दे रहे हैं और देखा यह भी जा रहा है कि फिर जो है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो की गई है उसको लेकर। जहाँ तक ये जो आपने बड़ा खूबसूरत सवाल है और अक्सर हमारा प्राइवेट स्कूलों के तहीं ये शिकायत जो हैं आती रहती हैं और कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है। हो सकता है हमारे प्राइवेट स्कूल जो हमारी जुरिस्डिक्शन राजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं और वो ऐसे लमसम फी जो अनइंटाइटल्ड हैं, एक फ़ी फिक्सेशन कमेटी होती है डिविजनल लेवल पे वो फिक्स करती है और उससे बयान कुछ चार्जेस करते हैं, ऐसी शिकायत रिपोर्ट होती है। हेड हैं, उन्होंने रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले हमें 28 मार्च को हमने एक डिटेल्ड सर्कुलर पब्लिश किया है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जहाँ डूज एंड डोंट फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं। और वो सर्कुलर सिर्फ इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है बल्कि मास पब्लिक के लिए, जिनके वार्ड्स बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, अगर उसकी वायलेशन कोई होती है तो वो हमारे नोटिस में लाई जाए। जहां तक बुक्स के आपने बात कही है, एग्जॉर्बिटेंट रेट हैं, ऐसी बिल्कुल शिकायत आई हैं और ऐसी शिकायत को रिड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने दो तरह की कमेटी जो हैं वो बनाई हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल के खिलाफ अगर कोई एग्जॉर्बिटेंट रेट या मिसमैनेजमेंट या अनइंटाइटल फी की चार्ज या ऐसे एलिगेशंस हैं, वो सभी पेरेंट्स, वो लोग जो हैं वो मेरे ऑफिस में, ये जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन राजौरी पुंछ रेंज, मैं उसका नोटिस भी आज निकाल रहा हूँ और हमारा ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है 146 है और ये 1 अप्रैल मतलब कल शाया हुआ है और इसके मुताबिक किसी भी शख्स को किसी भी प्राइवेट स्कूल से ये प्रॉब्लम हो कि वो किताबों के जो है बुक्स के रेट्स हायर हैं या उनकी एडमिशन फ़ी चार्ज कर रहे हैं या वो ऐसी फ़ी चार्ज कर रहे हैं जो इंटाइटल और अप्रूव नहीं है, वो रिटर्न में कंप्लेंट मेरे ऑफिशियल मेल पे या इन पर्सन मेरे ऑफिस में दे सकते हैं। और जो CBSE के स्कूल्स हैं वो सारे मेरे ऑफिस में आएंगे, कोई भी दे सकता है, और जो नॉन CBSE JK बोस के स्कूल्स हैं वो यहाँ चीफ एजुकेशन अफसर राजौरी और पुंछ दोनों के दफातर में दिया जा सकता है। और अगर ऐसी कंप्लेंट हमें मौसूल होती हैं और अगर हमें लगता है इसमें कुछ सब्सटेंशियल मैटर जेन्युइन है और हम कड़ी से कड़ी जो सख्त स्टैंड रखेंगे इनकी एफिलेशन को कैंसिलेशन करवाने की और इस प्रैक्टिस को कम्प्लीटली बंद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।